पर गोल्ड है मतलब उनके बारे में सुनेगा तो आगे तो गीला पीछे तो गीला हो जाएगा। अरे नहीं हाँ तो और बताना उनके बारे में। अरे बताना क्या है, आ रहे हैं वो अभी, उनसे ही पूछ लेना। ओके गुड इवनिंग सर। हाउ आर यू स्टूडेंट? फाइन सर। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट? यस सर। सर आपकी लाइफ के बारे में काफी इंटरेस्टिंग सुना है, हम आपसे सुनना चाहते हैं। ओके। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स 71 साल पहले ये देश बना और उसी वक्त शुरू हुई मेरी कहानी। लोगों को लगता है कि एक मिडिल क्लास बूढ़े की लाइफ कितनी बोरिंग रही होगी, अब उन्हें क्या बताएं? जितने सफेद बाल मेरे सर और दाढ़ी में हैं, उससे कहीं ज्यादा रंगीन मेरी जिंदगी रही है। जवानी हमारी एकदम जाने मन थी, पंडित नेहरू का आज निधन। उस वक्त देश की हालत नाजुक थी, एम्प्लॉयमेंट था नहीं, और फिर एक दिन हमें पता चला अरब में तेल निकला है जी। तो क्या सर पे लगाएंगे? नाम और उम्र बोलो। भारत। भारत क्या? मेरे बाबूजी ने देश के नाम पर मेरा भी नाम रखा है, अब अगर उसके आगे पीछे मैं कोई सरनेम लगा दूं तो इस नाम का कद और इज्जत दोनों ही छोटे पड़ जाते हैं। भारत जी, इस दफ्तर में चुनाव का नामांकन पत्र नहीं भरा जाता है। और जिस नौकरी के लिए आप आए हैं उसमें इतनी भारी ज्ञान की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आजा डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में। और फिर हमारी जिंदगी में आई मैडम सर। हमारी लाइफ एकदम परफेक्ट थी, प्यार, दोस्त, फैमिली, लेकिन हर मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे एक दर्द छुपा होता है। कुछ रिश्ते खून से होते हैं और कुछ जमीन से। तेरे पास दोनों हैं। जो वादा अपने बाबूजी से किया था उसकी सोचो। और शायद वही दर्द आपको जिंदा रखता है। मैं तुझमे रहूंगा जिंदा, तोड़ के सब जंजीरे मैं आजाद परिंदा। लोगों से बनता है और लोगों की पहचान उनके परिवार से होती है। तुझमें पूरा देश है भारत। जिंदा हूं मैं तुझमें।